दशहरा है तो उसके साथ ही माँ दुर्गा को विदाई देने की तैयारी है। ये वो अंतिम मेला है, प्रसन्न किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ को धुनुचि की गंध बहुत अच्छी लगती है और इसी सुगंध के कारण ही उनके सामने धुनुचि हाथ में लेके नृत्य किया जाता है। ये कहा जाता है कि आस्थे वो छोर आवर होवे। मैं इस समय हूँ गुड़गांव में, जहाँ पर लोगों के बीच उत्साह देखते ही बनता है। हाथों में धुनुचि लेकर ढोक और ढाल के साथ जिस तरह से लोग नाच रहे हैं, चार दिन कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। पूरे साल हम वेट करते हैं इसके लिए, आगे फिर एक साल और वेट करना पड़ेगा, बट एक इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हैप्पीनेस इज कॉन्टेजियस ओवर यू। ये ऐसी भावनाएं होती हैं माँ को विदा करने की तैयारी, माँ जाएगी तो कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। ये चार पाँच दिन हम लोग बहुत मजे करते हैं इकट्ठे, फैमिली जैसा, फ्रेंड्स सब, कोई बूढ़े बच्चे बड़े सब कोई। बहुत माँ जा रही है हाथ में धुनुची लेके माँ की विदाई की तैयारी। एक तरफ तो बहुत खुशी है कि हम सब एक साथ हैं और दुख इस बात की है कि कल से फिर हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। देखिए हाथ में धुनुची लेके नाच करना आसान नहीं होता है। इसका धुआं जब आंखों में लगता है और इसकी गर्म जब हाथ में फील होती है तो उसके बाद पर माँ के सामने जब आरती होती है, हाथ में धुनुची लेके माँ को विदा करने की तैयारी। नवमी है, माँ जा रही है, कैसा महसूस? आज जब इतनी खुश है अब जा रही है तो ऑब्वियसली बहुत खराब लग रहा है, बड़ा वेट करते हैं फिर हर साल का। पर यही एक मौका होता है जब माँ के सामने सब सज धज के तैयार होते हैं। माँ के सामने सज धज के तैयार होना, दुर्गा पूजा मनाना, अब तो माँ जा रही है। इट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर बंगालीज एंड अदर पीपल सेलिब्रेटिंग विद अस, इट्स सच अ सेलिब्रेशन ऑफ जॉय। वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आस्थे बछर आवर होवे। आस्थे बछर आवर होवे यानी कि माँ अगले साल फिर आएगी, इसी तरह से आशीर्वाद देकर जाएंगी। कुर्ता पजामा वैसे तो साल भर में पहनने का मौका कम मिले, लेकिन दुर्गा पूजा का एंजॉयमेंट का मजा कैसा? दुर्गा पूजा में चार दिन का बहुत मजा आता है। हमारा ये पूजा इस बार जो है हमारा मूर्ति वो गुड़गांव में शारद सम्मान में सेरा मूर्ति का अवार्ड मिला है, तो बहुत मेहनत होता है फिर बहुत मजा आता है। मजा भी आता है लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होता है कि माँ के पूजन अर्चन के साथ माँ को भोग लगाया जाता है। दरअसल माँ को बेटी माना जाता है, जब अपनी बेटी की विदाई होती है तो जिस तरह से उसे विदा किया जाता है, सिंदूर लगाकर, पान खिलाकर और उसके साथ उसका स्वागत करते हुए और फिर विदाई करते हुए कि जब माँ वापस अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश जाएंगी तो उस समय यही आशीर्वाद देकर जाएंगी, आस्थे बछर आवर होवे। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मनोज लोहिवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Oh, 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 oh,